एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसको माय नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो चैप्टर सेकंड है हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। बेसिकली हमने तीन कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए आप। बेसिकली वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि इस चैप्टर में बेसिकली हम किस बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास प्रीवियस लेक्चर का लिंक नहीं है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा फर्स्ट लेक्चर का, ठीक है। आज बेसिकली हमारा सेकंड चैप्टर जो है हमारा सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, उसका हमारा बेसिकली क्या है, आपका सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो देखिए, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स तीन तरह के ग्रुप सामने आए थे जितने भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए थे 19th सेंचुरी के अंदर। तो उस टाइम हमारे पास बेसिकली तीन तीन फिलॉसफी या तीन थ्योरीज को फॉलो करने वाले तीन ग्रुप सामने आए थे। जितने भी पॉपुलेशन थी वो बेसिकली तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, तो उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब बेसिकली ये है कि अब जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहे थे उनके हमने ये ग्रुप्स के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल या सोसाइटी या सोशल लेवल के ऊपर जो चेंज आया ना, वो क्या चेंज था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज उनके ऊपर क्या चेंजेस डिपेंडेड थे या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो देखिए, मैंने पॉइंट्स में आइडेंटिफाइड किया हुआ, आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप्ड, रेलवे एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड। मैंने आपको बताया था क्या कि जैसे ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, क्या हुआ, जैसे ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, रिवॉल्यूशन का मतलब पीपल्स ने क्या करा, जितने भी पीपल्स थे वो क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। क्या करने लगे, प्रोटेस्ट। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया इन लोगों ने, मोनार्की। किसके अगेंस्ट, मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है, किंग। मोनार्की का मतलब क्या होता है, ऐसा रूल जिसमें किंग रूल करे। तो बेसिकली क्या था कि पीपल्स क्या चाह रहे थे अब कि जो भी यूरोप के अंदर जो भी किंग का रूल था, अब उस रूल को हटाया जाए और डेमोक्रेसी लाया जाए। और क्या लेके आया जाए, डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होती है, रूल ऑफ पीपल। जैसे कि इंडिया में पीपल क्या करते हैं, अपना एक लीडर क्या करते हैं, चूज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चूज किया हुआ, तो इस तरह से ये डेमोक्रेसी रूल होता है, ठीक है। मोनार्की क्या होता है, रूल ऑफ किंग, ठीक है। रूल ऑफ किंग होता है मोनार्की रूल, और डेमोक्रेसी क्या होता है, रूल ऑफ पीपल। पीपल क्या करते हैं, अपना एक मेंबर इलेक्ट करते हैं और वो रूल करता है, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि 17-18 सेंचुरी के आसपास जब रिवॉल्यूशन हो रहे थे पूरे यूरोप के अंदर, फ्रांस में इसका स्टार्ट हुआ था, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यूरोप में जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यूरोप के बाद रशिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उस टाइम तीन ग्रुप सामने आए, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। अब इंडस्ट्रियल लेवल और सोशल लेवल में चेंज आया। मैंने आपको बताया क्या कि जैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रीजन जो थे वो डेवलप होने लगे। क्यों, क्योंकि बेसिकली रेलवेज आ चुका था। रेलवेज आपको पता ना, रेलवे ट्रैक जो हम यूज़ करते हैं पहले नहीं थे, ये 19th सेंचुरी के आसपास आए। तो रेलवेज क्या हो चुका था, आज इंप्लीमेंट हो चुके थे रेलवेज, ठीक है। और रेलवेज को एक्सपेंड करने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, ठीक है। क्यों, अब देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुए, देखिए सबसे पहला रीज़न क्या था कि लोगों को लगता था कि इंडस्ट्रीज अगर आ जाएंगी, मशीन्स वगैरह वर्क करने लग जाएगी, तो लेबर कम हो जाएगी। लेबर का मतलब मैन वर्क जो होता ना, वो कम हो जाएगा। क्यों, जितनी ज़्यादा आप मशीन्स यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा वर्कर्स आपको कम यूज़ करने पड़ेंगे। क्यों, अब जो पहले पीपल काम करते, जस्ट एन एग्जाम्पल, जब एक रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए 100 वर्कर्स आपने रखे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है, एक केवल मशीन यूज़ करनी है, वो मशीन ऑटोमेटिक सब है ना रेलवे ट्रैक बना देगी, आपको केवल उस मशीन को हैंडल करने के लिए 5 चाहिए, ठीक है। तो बाकी 95 पीपल जो थे पहले, आपके एक ही सेम रेलवे ट्रैक को 100 पीपल बना रहे थे, और अब आपके केवल 5 पीपल हैं जो केवल उस मशीन को देखते हैं, उसकी सर्विस करते हैं, और वो मशीन अपने आप बना देती है। तो अब जो 95 वर्कर्स हुए वो क्या हो गए, एक तरीके से जॉबलेस, वो क्या हो चुके हैं, जॉबलेस हो चुके हैं। तो बेसिकली इस लेवल के ऊपर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए, ठीक है। और कुछ लोग चाह रहे थे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो, हाई इंडस्ट्रीज आए। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएगी उतना डेवलपमेंट आएगा, और उतना डेवलपमेंट होगा तो आपको जॉब्स मिलेगी भी या नहीं भी मिलेगी, दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंडेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि नई सिटीज़ के अंदर, जितने भी यूरोप के अंदर नई नई सिटीज़ थी, जितने भी वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, रेलवेज एक्सपेंड किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यह है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज में क्या इंपैक्ट हुआ। सेकंड पॉइंट, वर्किंग आवर्स वर ऑफन लॉन्ग, ठीक है। वर्किंग आवर्स क्या थे, बहुत लंबे थे। वेजेस मतलब क्या होता है, आपको जो सैलरी मिलती है, ठीक है, सैलरी मिलती है। तो वेजेस वर पुअर, बहुत कम थे वेजेस। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन एंड द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटेशन वॉज ग्रोइंग रैपिडली। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब ना होना, ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम थी। और हाउसिंग की और सैनिटेशन की वर ग्रोइंग रैपिडली। और जो हाउसिंग मतलब कि सब लोगों के पास घर हो और सैनिटेशन प्रॉपर हो, ठीक है, वॉशरूम्स वगैरह सब सैनिटेशन प्रॉपर हो, पानी सप्लाई सब आए, प्रॉपर भी आए,
तो इनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत कम थी, मतलब सफिशिएंट लोगों के पास सफिशिएंट हाउसिंग और सैनिटरी फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है, क्या हाउसिंग फैसिलिटीज और सैनिटरी फैसिलिटीज नहीं थी सबके पास, धीरे 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 सबके पास आई थी, बहुत ग्रेजुअली प्रोसेस हो रहा था ये, ठीक है, बहुत रैपिडली, सॉरी नॉट ग्रेजुअली, बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे ये आपके, रैपिडली बहुत तेज़ी से बढ़ना, वर्किंग आवर्स बहुत क्या थे, बहुत ज़्यादा थे, और जो वेजेस था वो बहुत पुअर था, अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन प्रॉब्लम थी, वो आज भी है देखा जाए तो, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर नहीं है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया है वहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स आज भी फेस करने को मिलती है। आगे देखिए, लिबरल एंड रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन ऑफ टू दीज इशूज। अब जो लिबरल और रेडिकल्स थे वो बेसिकली क्या थे, इन इशूज़ के ऊपर कुछ सर्च करते रहते हैं या कुछ नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, इससे हमारा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, और जो प्रॉब्लम्स हो रही थी हमें हाउसिंग और सैनिटेशन की वो नहीं होगी अब हमें प्रॉब्लम, ठीक है, और वर्किंग आवर्स भी कम होंगे और वेजेस भी आपको अच्छे मिलेंगे। लिबरल्स और रेडिकल्स इन पे काम कर रहे थे लेकिन कंजर्वेटिव्स नहीं कर रहे थे। कंजर्वेटिव्स आपको पता है क्यों नहीं करेंगे, कंजर्वेटिव्स मैंने पहले बताया था आपको, वो लोग जो क्या कर रहे थे, चाहते थे कि वापस मोनार्की सिस्टम आ जाए, वापस मोनार्की सिस्टम आ जाए, तो नेचुरल सी बात है वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, ठीक है, वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, लेकिन लिबरल्स और रेडिकल्स बेसिकली क्या है, ये जो भी अनएम्प्लॉयमेंट था, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे और जो वेजेस थे वो बहुत पुअर थे, तो इन सब के ऊपर काम करते थे, कौन, लिबरल्स और रेडिकल्स। लिबरल्स रेडिकल्स कंजर्वेटिव ये सब ये यहाँ पर है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है जिसको थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि मुझे चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को उठा के देखिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि लिंक होती है जी, अगर आप लोग में भी कोई लोग बच्चे नए हों और जो लोग भूल चुके हों कि सर हमने क्या पढ़ा था हमें याद नहीं है, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर फर्स्ट लेक्चर ही है, सेकंड लेक्चर ही आज तो ही अपना, इससे पहले केवल एक लेक्चर अपलोडेड है, तो आप एक लेक्चर वो अपलोड है जो वो एक बार उसको डिटेल में देखिए, उसके बाद ये स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर होगा। आगे चलिए, तो देखिए इंडस्ट्रियल और सोशलिज्म चेंज जो था उसके दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल और सोशल चेंज से रिलेटेड, जस्ट अ मिनट। ओके, ये देखिए, लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु दमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स, ठीक है, लिबरल्स और रेडिकल्स कौन थे, बेसिकली ऐसे लोग थे जिनके पास क्या था, खुद की प्रॉपर्टी ओनर्स थी, एंड एम्प्लॉयज फॉर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट लेबर एंड द एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली लिबरल्स और जो आपके रेडिकल्स थे ये कौन थे, जो बेसिकली प्रॉपर्टी ओनर्स थे जिनके पास खुद की प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पे क्या करते, एम्प्लॉयर्स थे, एम्प्लॉयज थे, फॉर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, और ये बिलीव करते थे कि हम सबको अगर डेवलपमेंट करना है तो हम सबको इंडिविजुअली लेवल के ऊपर अपने अपने एफर्ट्स को लगाना पड़ेगा, लेबर एंड एंटरप्राइजेस, इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज एंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट द सोशलिस्ट विल डेवलप। तो बेसिकली लिबरल और रेडिकल का मानना क्या था कि हम सबको अपने इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट्स लगाने चाहिए, लेबर्स को एंटरप्राइजेस पे सब चीज़ों पे क्या करना चाहिए, हमको इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट लगाने चाहिए और सब इंडिविजुअल को अपना फ्रीडम राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, इफ़ द पुअर कुड लेबर, अगर पुअर लेबर हो सकता है एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट द सोसाइटी वुड बी डेवलप। तो इस तरह से अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम सबके बारे में सोचेंगे, चाहे वो लेबर हो, चाहे हाई क्लास हो, चाहे लो क्लास हो, इंडिविजुअल फ्रीडम्स मिलेंगे, इंडिविजुअल राइट्स मिलेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, हमारा सोशल लेवल पर डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा और बहुत अच्छा होगा, ये आपको खुद को भी पता है क्या, अभी हमारे इंडिया के अंदर अगर हम जितने भी ज़्यादा जो रिच पीपल्स हैं अगर वो पुअर पीपल्स के बारे में सोचें, ठीक है, और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, तो बेसिकली जब सब एक इतना सबके पास इतना कैलेबर होगा कि वो सब अपने डेली लाइफ नीड्स को फुलफिल कर सकें, अपनी जो डेली नीड्स होती हैं उनको अगर फुलफिल कर सकेंगे तब क्या होगा, बेसिकली हम लोग क्या हो जाएंगे, एक तरीके से हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा, हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि सबको इंडिविजुअल लेवल पर सोचना पड़ेगा, ये नहीं है कि एक आदमी सोचेगा तो उससे काम हो जाएगा, नहीं, सबको इंडिविजुअल लेवल पर सोचना पड़ेगा तभी क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा। आगे देखिए, फोर्थ हम बात करते हैं, सम नेशनलिस्ट लिबरल एंड रेडिकल्स वॉन्टेड रिवॉल्यूशन टू पुट एन एंड टू द किंग ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। अब मैंने आपको बताया क्या, कुछ नेशनलिस्ट कुछ लिबरल रेडिकल्स वॉन्टेड रिवॉल्यूशन टू पुट एन एंड टू द किंग ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप। मैंने आपको बताया कि लिबरल और रेडिकल्स कौन से थे जो बेसिकली मोनार्की सिस्टम को नहीं चाहते थे, जबकि कंजर्वेटिव कौन थे जो मोनार्की सिस्टम को चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम वापस आए।
तो बेसिकली क्या हुआ कि लिबरल्स और रेडिकल्स क्या चाहते थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किए एंड ताकि वो क्या कर सके, जो किंग की गवर्नमेंट थी जो यूरोप के अंदर 1815 पे वापस स्टैब्लिश हो गई थी। क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उस टाइम मोनार्की किंग था, मतलब जो किंग था वो था लुई 16, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, नेशनल असेंबली ली आई गई, अब पूरा प्रोसेस सही चल रहा था। बट 1804 के अंदर एक एक पर्सन था, उसका नाम था नेपोलियन, इसका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन कौन था? बेसिकली एक आर्मी का बड़ा लीडर था, तो इसने डेमोक्रेसी को रिप्लेस करके खुद ये रूलर बन गया। और कौन सा रूल लिया है ये आपके, बेसिकली इसने खुद का अपना रूल बनाना स्टार्ट कर दिया। 1804 से 1815 तक इसने रूल करा। किसने रूल करा? नेपोलियन ने। किसने रूल करा? 1804 से 1815 तक नेपोलियन ने। अब बेसिकली जैसे ही 1815 के अंदर नेपोलियन को डिफीट किया गया, कहाँ पर? बैटल ऑफ वाटरलू। कहाँ पर डिफीट किया गया था? बैटल ऑफ वाटरलू। तो वहाँ पर जैसे ही ये डिफीट हुआ, तो डिफीट होने के बाद क्या हुआ कि अब बेसिकली ये देखा गया कि अब यूरोप के अंदर अब रूल कैसा होगा। तो लोगों ने तीन ग्रुप्स डिवाइड हो गए, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो चाहते थे कि वापस मोनार्की सिस्टम आ जाए, ठीक है, और लिबरल्स और रेडिकल्स जो बेसिकली चेंजेस चाहते थे, नए नए जो भी नए चेंजेस हों, ठीक है। तो 1815 के बाद जब वापस कंजर्वेटिव चाह रहे थे कि मोनार्की सिस्टम को लाया जाए, तब 1815 में लिबरल और रेडिकल्स ने क्या करा? अपोज किया। लिबरल और रेडिकल्स ने क्या करा? अपोज किया, ठीक है। लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव सब मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब ये 1815 जो आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पैराग्राफ के अंदर, तो उससे मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी है।